स्वप्रकाश आत्मनैव तज्जप्ति रूपत्वात्। कहे स्वप्रकाश आत्मा वह स्वयं ज्यप्ति स्वरूप ही है, ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि आपने आत्माश्रय वगैरह दोष दिया था, वह दोष निवारण करने के लिए कहना पड़ता है ज्यप्ति रूपत्वात्। क्योंकि ये जो तीन प्रमुख दोष है, आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, ये जो दोष दो तरीके से दी जाती है किसी भी वस्तु के विषय जहाँ दिया जाए, उत्पत्तिगत और जप्ति। उस तत्व का उत्पत्ति में आत्माश्रय दोष है या उस तत्व ज्ञान में आत्माश्रय दोष है? उत्पत्तिगत आत्माश्रय आदि दोष होते हैं या जप्तिगत आत्माश्रय दोष? उत्पत्तिगत तो हो नहीं सकता यहाँ क्योंकि आत्मनित्य, किंतु आत्मा में सब कल्पना के प्रति आत्माश्रय दोष जो दिया जाएगा वहां पर ज्यप्तिगत हो सकता था, तब कदे ये भी नहीं है क्योंकि नित्य ज्ञान स्वरूप है। जो नित्य ही नहीं है पर नित्य ज्ञान स्वरूप, ज्ञप्ति स्वरूप है। देखिए थोड़ा टीका में इसमें, स्वप्रकाशात्म इत्यादि ना उत्पत्तो ज्यप्तो व आत्माश्रय आदिकम संभाव्यते तत्र ज्यप्तेर नादित्व नाद्यम। कहते हैं आत्मा का में जो होने वाला हो रहा है यह भ्रांति ज्ञान में आत्माश्रय दोष दे रहे हो या आत्मा का ज्ञान में आत्माश्रय दोष दे रहे हो, यह बात की बात है। इनके लिए इनकी उत्पत्ति में दे रहे हो या इनके ज्ञान में दे रहे हो? उत्पत्ति में तो हो नहीं सकता क्योंकि यह अनादि है। जब अनादि मान लिया गया है अध्यास वगैरह को, अज्ञान वगैरह को, वह आत्माश्रय दोष की संभावना समाप्त हो गई। उत्पत्ति वाले वस्तु में ही यह सब दोष दिया जा सकता है। वह किसके अपेक्षा से उत्पन्न हुआ? स्वयं की अपेक्षा से हुआ कि दूसरे की अपेक्षा से हुआ? दूसरे की अपेक्षा से हुआ तो दूसरे को पहले की अपेक्षा रही और पहले को दूसरे की अपेक्षा रही तो अन्योन्याश्रय होता है। पहले को दूसरे की, दूसरे को तीसरे की और तीसरे को पुनः पहले की अपेक्षा हो जाए तो चक्रक दोष होता है। तीसरे उत्पत्ति में वस्तु का उत्पत्ति में स्वयं की अपेक्षा हो जाए तो आत्माश्रय, दूसरे की अपेक्षा होता है तो अन्योन्याश्रय, तीसरे की अपेक्षा हो जाए तो चक्रकादि दोष आते हैं। लेकिन वो यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि यह न अज्ञान उत्पन्न वस्तु है न ब्रह्म उत्पन्न वस्तु है। आत्मा भी उत्पन्न वस्तु नहीं है, अज्ञान और तदवशात भ्रांति वगैरह भी अनादि होने के नाते वहां पर उत्पत्ति कृत आत्माश्रय दोषों को आप दे नहीं सकते। तभी तो इनके ज्ञान तो बाद में हुई ना, न किंचित जानामी। अतः ज्ञप्ति में तो होना चाहिए, कदे ज्ञप्ति में भी नहीं होगा। ज्ञप्ति अनादित्वे भी यदि स्वप्रकाश तुम न सियात, ये मान लो ज्ञप्ति को अनादि मान लो, नित्य भी मान लो, फिर भी यदि स्वप्रकाश नहीं होता वो तो ये सब दोष आ जाएगा। स्वप्रकाश तुम न सियात यदि तदा तस्य ज्ञप्ति रूपत्व आत्माश्रय, उस ज्ञान रूपी ब्रह्म को स्वयं जानने के लिए स्वयं की अपेक्षा हो गया तो आत्माश्रय है। और प्रकृति आदि अज्ञान आदि की अपेक्षा को लेकर के हम ज्ञान कर रहे हैं फिर तो अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। वह ज्ञान अपने अपनी ज्ञान के लिए आश्रय चेतन का अधिष्ठान चेतन का अपेक्षा करेगा और चेतन प्रदा ब्रह्म का ज्ञान के लिए वह ज्ञान की अपेक्षा करेगा, अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। ज्यप्ति में आत्माश्रय हो सकता है, अन्योन्याश्रय हो सकता है, चक्र लगा सकता था यदि हम स्वप्रकाश नहीं मानते तो, क्योंकि घट परप्रकाश है ना, उसको दूसरे की अपेक्षा है और दीपक को लेकिन दूसरे की अपेक्षा नहीं है, इस हम दीपक को स्वप्रकाश मान लेते हैं। अच्छा घट को भले दीपक की अपेक्षा है लेकिन दीपक को घट की अपेक्षा नहीं है, और दीपक को स्वयं की अपेक्षा रह जाए तो भी आत्माश्रय दोष होता, अतः हम उसको स्वप्रकाश मानते हैं। था उसी प्रकार यहाँ पर भी अज्ञान को भले ब्रह्म की अपेक्षा है उसे ज्ञान होने के लिए, लेकिन ब्रह्म को किसकी अपेक्षा नहीं है। और अज्ञान की उत्पत्ति अनादि होने के नाते उत्पत्ति इसमें जरूरत नहीं रहा, और अज्ञान का ज्ञान भी की जरूरत नहीं है क्योंकि अज्ञान का ज्ञान क्या है? चैतन्य है, वह स्वप्रकाश। स्वप्रकाश मानने पे वह आत्माश्रय दोष से बच जाएगा। ज्ञप्ति में भी स्वप्रकाश मानना पड़ेगा, ज्ञान स्वरूप है आत्मा, नित्य आत्मा, इन साथ साथ वह स्वप्रकाश है।
नित्य कहने से उत्पत्तिगत आत्माश्रय दोष निवृत्त हो जाते हैं, और ज्ञप्ति रूप मान करके स्वप्रकाश नहीं मानेंगे तो आत्माश्रय दोष सभी दोष आ जाएंगे। अतएव ज्ञप्ति रूप मान करके हम उसको स्वप्रकाश मानते हैं, इसलिए मामूल में कहा स्वप्रकाश आत्मनेव तत् ज्ञप्ति रूपत्वात् एवं च स्वपराध्यासे कारणम् इत्यस्य स्वपराध्यासे स्व अन्य परिणामी कारण अनपेक्षम इत्यर्थ इति ज्ञेयम्। इसलिए स्वपराध्यासे कारणम् करना अज्ञानमेव स्वपराध्यासे कारणम् ये पंक्ति मूल में कहा गया था, वो अर्थ कैसे लोगे आप? स्वपराध्यासे कारणम् का अर्थ ये होगा स्वपराध्यास में स्व अन्य परिणामी कारण अनपेक्षम इत्यर्थ, स्व से भिन्न कोई अन्य मैंने भिन्न परिणामी कारण की अपेक्षा नहीं करता अज्ञान भी। यदि अज्ञान भी दूसरे की अपेक्षा करने लग जाए तो फिर क्या हो जाएगा? फिर दोष रह जाएंगे। इसे स्व पर अध्यास में जो अज्ञान कारण बन रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है कि वह अज्ञान किसी अन्य परिणामी कारण की अपेक्षा नहीं करता, वह स्वयं ही परिणामी कारण होकर के सारे जगत के प्रति कारण बनता है, और उस अज्ञान का भी कारण मतलब कोई दूसरा परिणामी कारण नहीं है, नहीं तो अनवस्था दोष आ जाएगा। तो अज्ञान का भी कारण मानोगे फिर वो कारण भी पूछेंगे फिर वो भी किसी आपकी अपेक्षा करते कि नहीं करता, फिर तो अनवस्था दोष आ जाएगी। इसलिए कहते हैं वह जो कारण बन रहा है अज्ञान स्व पराध्यास के प्रति, वह स्व से भिन्न अन्य किसी परिणामी कारण की अपेक्षा नहीं करता है, ये उसका अज्ञान अध्यास विशुद्ध चैतन्य अहंकार अध्यास। इसलिए सामान्य प्रक्रिया तो आप जानते हैं, आत्मा से आकाश आदि पैदा हुआ, आकाश आदि का जो है दो प्रकार है स्थिति, अपंचीकृत पंचमहाभूत है, पंचीकृत पंचमहाभूत बनता है, अपंचीकृत पंचमहाभूत सत्व का सामान्य कार्य क्या हो जाता है? अंतकरण मान लिया है ना मनाली, और जो उसका सत्वांश का कारण कार्य हो जाएगा ज्ञानेन्द्रिया, रजोंश का कार्य हो जाएंगे कर्मेंद्रिया, तमोंश का मिली भगत बन करके पंचकृत पंचमहाभूत हो जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था आप लोग सुनते हैं उत्पत्ति, और यहाँ तो चलेगा ही नहीं, उत्पत्ति तो है ही नहीं, तो फिर सब कुछ अध्यास हो तो कौन चीज कहाँ अध्यास हुआ, कैसे हुआ प्रक्रिया? तब कहते हैं इसकी प्रक्रिया यह है कि अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य अहंकार अध्यास, मन का अंतकरण का पहले अध्यास होता है सीधा सीधा, न भूत है न भूतों का कार्य, भूतों की पिंड छूट गया, सीधे ही अहंकार का अध्यास होगा। अभी कैसे होगा? अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य में अहंकार का अध्यास होगा, और उस अहंकार में सामान्य चैतन्य जिसमें अज्ञान भी कल्पित है उस चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ेगा। इसलिए दो शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, एक अधिष्ठान दूसरा आधार, दोनों भिन्न चीज अर्थ है। अधिष्ठान शब्द का अर्थ अलग होगा, आधार शब्द का अर्थ अलग होगा। अधिष्ठान कहने से शुद्ध ब्रह्म चैतन्य जो सकल कल्पनाओं का अधिष्ठान, और तत्त्व विशिष्ट कल्पनाओं का जो अधिष्ठान होगा उसको हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे? आधार। जैसे सुप्तविच्छिन्न चैतन्य में रजत का अनुभव हुआ तो सुप्ति को हम क्या कहेंगे? वहां आधार। और अंतकरण आधार बनेगा किसका? काम इच्छा राग द्वेष वगैरह वगैरह जो बुद्धि जितने भी हैं सारी चीजों का आधार है, काम संकल्प विचिकित्सा जो प्रधान उपनिषद मंत्र है वो सारे चीजों का आधार बनेगा मनावच्छिन्न चैतन्य, अंतकरणावचन चैतन्य, माने अंतकरण में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है उसको हम आधार कहेंगे, और अंतकरण जिस चैतन्य में कल्पित है उसको हम अधिष्ठान। प्रतिबिंब चैतन्य जितने भी उनको क्या कहा जाएगा? आधार। और जो बिंबात्मक चैतन्य है जिसमें अंतकरण आदि कल्पित है उसको अधिष्ठान। ये शब्दों का हम प्रयोग बार बार करेंगे तो ध्यान रखना यहां से आगे ये दो अर्थों को दिमाग में बिठाए, तब समझ में आएगी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ फिर ये क्या अधिष्ठान क्या आधार क्या है। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, पहले बता रहे अज्ञान विशिष्ट चैतन्य में अहंकार का अध्यास, इसलिए
अज्ञान विशिष्ट चेतन क्या हो गया? आधार हो गया। और अज्ञान जिसमें कल्पित है वो हो जाएगा अधिष्ठान। शुद्ध ब्रह्म चैतन्य रूप अधिष्ठान में पहले अज्ञान की कल्पना अनादि मान लिया गया, अतएव वह अज्ञान में अज्ञान विशिष्ट चैतन्य हो गया। तो अज्ञान में जब चैतन्य को विशिष्ट कर दिया तो अज्ञान का भी अध्यास मान लिया। अज्ञान कोई वास्तविक है नहीं, अज्ञान भी अध्यासिक है। तो अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य में अंतकरण प्रकट हुआ और वह अंतकरण रूपी अध्यास भी क्या करेगा? स्वाध्यास अवचिन्न चैतन्य हो जाएगा, अंतकरण अवचिन्न चैतन्य जिसको आप कहेंगे। और उसमें क्या होता है? संकल्प वगैरह आ जाता है। अगर एक केंद्र के अंदर जा रहा है तो मूल अधिष्ठान एक ही है, ब्रह्म चैतन्य। उसमें अज्ञान कल्पित हुई, अज्ञान विशिष्ट चैतन्य हुआ, उस अज्ञान विशिष्ट चैतन्य में अंतकरण कल्पना, ब्रह्म चैतन्य में नहीं। अधिष्ठान में आगे कल्पना नहीं होती है, एक ही चीज कल्पना हुई है अधिष्ठान में, ब्रह्म चैतन्य में। क्या है वो? अज्ञान, बस। और कुछ भी ब्रह्म चैतन्य में कल्पना नहीं है। और जो कुछ भी होता है अब वो अज्ञान के ऊपर होते रहेगा, अज्ञान के ऊपर हो रहा है। यद्यपि आगे का भी अधिष्ठान कौन होगा? मूल अधिष्ठान तो ब्रह्म चैतन्य, लेकिन उस चैतन्य में दोबारा कोई चीज की कल्पना नहीं होगी। अज्ञान अपना परिणाम करता हुआ सब चैतन्य में ही फिर तदवचन तदवचन होता होता सारा जगत रूपा कल्पना होते रहेगा, और प्रत्येक कल्पना स्व से उस चैतन्य को विशिष्ट कर देता है। अतः घटावचिन चेतन, पटावचिन चेतन, मठावचिन चेतन, सब हम क्या कहेंगे? तब तद अवचिन्न चेतन। अभी केवल अवचिन चेतन न कह करके एक और शब्द जोड़ दिया जाएगा, घट अध्यास अवचिन्न चेतन, घट अध्यास विशिष्ट चैतन्य, पट अध्यास विशिष्ट चैतन्य, ऐसे ही शब्द का प्रयोग होगा। क्योंकि यह दिमाग में हमें फिट बैठाना है, ये जो घट है वास्तविक कोई कार्य नहीं है, यह आध्यासिक है। और आध्यासिक घट का आध्यासिक विशेषणता संबंध अवच्छिन्न विशिष्टता चैतन्य में आएगा। अतएव नहीं तो घटाव चिंतन बोले तो नहीं एक जैसे हो जाओगे, फिर घट सत्य हो जाएगा, वह भ्रांति न रहे। इसलिए शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं? देखो, अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य अहंकार अध्यास, अहंकार रूपी अध्यासिक पदार्थ से विशिष्ट चैतन्य में अहंकार का अध्यास हुआ। उस अहंकार रूपी अध्यास अवच्छिन्न अर्थात उसे विशिष्ट चैतन्य में काम संकल्प विचित्र आदि होते रहेंगे, और उसके कारण फिर और आगे बढ़ते जाएगा। ये प्रक्रिया यहां तेन अध्यास से निर्दोषत्व समर्थने ना। इस प्रकार से अभी तक की शास्त्रार्थ से जो अध्यास को हमने पहले सिद्ध कर दिया, जब अध्यास सिद्ध हो गया तो अज्ञान प्रथम आध्यासिक पदार्थ है उस ब्रह्म चैतन्य में, सबसे पहला जिसको योग वाशिष्ठ में कहते हैं स्फुरण स्पंद। सुना है ना, योग वाशिष्ठ में बार बार कहेंगे स्पंद हो गया, एक स्फुरण हुआ, वही अध्यास अज्ञान रूपी अध्यास है। जिसके वजह से जैसे आप एक पत्थर तालाब में डाल देते हो, क्या होता है? ब्रूम अंदर जाता है, उसी कारण से एक लहर उठता है, फिर उससे आगे लहर होते जाते हैं। तद्वत क्या कर दे, पहला एक स्पंद हुआ, एक आध्यासिक कल्पना हुई, पदार्थ है वो अज्ञान नाम का। अज्ञान नाम का आध्यासिक पदार्थ से विशिष्ट चैतन्य में अगला कार्य क्या होता है? अहंकारात्मक अध्यास हो गया। अब आएगा, वो अभी दूर है, अभी पहले अध्यास को समझो। अब शंका उठाएगा, अब जब बोलेंगे विशिष्ट है ना, अंतकरण लाऊंगा, अंतकरण के बाद होगा अहम मनुष्य क्यों हुआ, अहम देह क्यों नहीं हुआ, अहम कारण हो गया, अहम चक्षु क्यों नहीं हुआ। तब तुम्हारा जब कल का प्रश्न है अब आने वाला है, उन प्रश्नों के जवाब में अन्योन अध्यास स्थापित कर, पहले हमें अध्यास को स्थापित करना है, वो हो गया। अध्यास स्थापित होने से प्रथम आध्यासिक पदार्थ स्वीकार कर लिया अपने अज्ञान को, जब अज्ञान स्वीकार हो गया उस अज्ञान के कारण से पहले जो हो रहा था न जानामि अहम अज्ञ, ये स्थापित हो गया। अभी जब अहम अज्ञ स्वीकार कर लिया आपने, आगे सारा संसार खड़ा हो जाएगा। जब अहम ब्रह्म थे
तो कोई संसार नहीं, इन अहम अज्ञा हो गया तो संसार है। तो कैसा है? तब अनन्य अध्यास आएगा। अब केवल हमने अध्यास किया और अध्यासिक पदार्थ अज्ञान को सिद्ध कर दिया, तब इस चित्र में से सबसे पहले अहंकार स्मरण करेंगे, तब ना अहम अज्ञ सिद्ध होगा पूरा। अभी तक अहम न जानामी का न जानामी सिद्ध हुआ है, अहम तो कहां सिद्ध हुआ? जब तक अहम न जानामी उस वाक्यार्थ का पूरी सिद्धि नहीं होगी, आगे की बात उठा ही नहीं सकता मन में ध्यास को। अहम कैसे सिद्ध होगा? न जानामी तरफ बोध्य पदार्थ क्या था? अज्ञान था। वो भाव पदार्थ है, वो आध्यासिक संबंध है ना, ब्रह्म रूपी विशुद्ध चेतन में भाषित हो रहा है। इतना न जानामी के आधार पर सिद्ध किया है, ठीक। अहम मनुष्य कर्ता भोक्ता के आधार पर अध्यास सिद्ध हुआ, और अध्यास सिद्ध होने के बाद उस अध्यास से क्या निष्पन्न हुआ? कहते न जानामी से बोध्यवान अज्ञान पदार्थ सिद्ध हो गया। लेकिन अहम न जानामी जो बोला, यह अहम कहां से टपक गया? तब कहते हैं उस अज्ञान अध्यास विष्ट चैतन्य में अहंकार अध्यास हो गया। वो अहंकार अध्यास जो हुआ, उसने स्व कारण अज्ञान के साथ संबंध जोड़ करके अहम न जानामी ये व्यवहार कर दिया। अहंकार ने स्व कारण भूत अज्ञान के साथ संबंध जोड़ लिया और क्या कहा तब? अहम न जानामी या अहम अज्ञोस्मी, ऐसा कहा। स्व कारण के साथ कार्य अपनी वैशिष्टता को प्राप्त जब कर लेता है, तब यह व्यवहार होता है अहम न जाना में अथवा अहम यज्ञ, ये स्थापित कर रहे हैं। तब कहते तद विशिष्टे, उसका अगला स्टेप क्या हुआ? तार्श अहंकार अध्यास विशिष्ट चैतन्य, तद विशिष्ट मैंने अहंकार अध्यास विशिष्ट चैतन्य क्या हुआ? काम संकल्पादि नाम अहंकार धर्माणाम इंद्रिय धर्माणांच न इंद्रियाणाम, इंद्रिय धर्माणांच काणत्व बधिरत्व क्लीबत्वादि नाम अध्यास। इंद्रियाणां तो परोक्षत्वात् न परोक्ष धर्माध्यास धर्मी अध्यास इति सिद्धांत। अब आएगा जब धर्मी अध्यास बोल दिया, धर्म धर्मी अध्यास कह दिया, फिर अन्योन्य अध्यास मान लिया आपने। जब अन्योन्य अध्यास है तो फिर बताओ कैसे हुआ? वो आगे काम संकल्पादि नाम, इसलिए अहंकार अध्यास विष्ट चैतन्य में आधारभूत चैतन्य में अधिष्ठान चैतन्य में नहीं, अहंकार अध्यास विष्ट चैतन्य को हम आधार चैतन्य कहेंगे, जो कि अज्ञान अध्यास चैतन्य रूप आधार चैतन्य में उत्पन्न हुआ। और उस अहंकार विशेष अध्यास विष्ट चैतन्य भूत आधार चैतन्य में क्या हम धर्मों को देख रहे हैं? काम संकल्प चिकित्सा आदि धर्मों को अनुभव कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां सातम क्या जोड़ दे रहे हैं? काणत्व आदि भी अनुभव करते हैं, जो कि काणत्व आदि क्या है? इंद्रियों का धर्म को भी उसी अंतकरण अध्यास चैतन्य में अनुभव किया जाता है। तभी आप बोलते हो अहम काण, नहीं तो अहम काण कैसे बोलेगा कोई? अहम बधिर कैसे कहेगा? अहम के साथ उसका वैशिष्टता संबंध बनाना है, इसका मतलब क्या? जहां अंतकरण विशिष्ट चैतन्य जो है उसी में काणत्व को मानना पड़ेगा, उसी में इच्छावान अहम स्वकाम यतम कामना वाला कैसे हो गया? वो अहम के साथ काम को जोड़ना पड़ेगा। अहम है धर्मी, उसमें धर्म है काम, अतः धर्म धर्मी का संबंध आपने जोड़ दिया। अहम है धर्मी, संकल्प है धर्म, ये धर्म धर्मी संबंध आपने जोड़ दिया, तो अहम कामी, अहम संकल्पवान, अहम काण, अहम बधिरः, ये सब व्यवहार शुरू हो गया। तो यहाँ प्रश्न उठेगा, बहुत सारी बातें आएंगी, अब ये कैसा हो सकता है? अन्य का धर्म को अन्य के साथ वैशिष्टता कैसे हो गया? काणत्व कहाँ है? चक्षु। बधिरत्व कहाँ है? कान में। वो अहम कैसे जुड़ गया? अहम का धर्म कैसे हो गया? यानी ये सब प्रश्न उठाएंगे। उसे पूर्व में कह रहे हैं कि इंद्रियाणां तु परोक्षत्वा, उनका अध्यास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंद्रियां सदा परोक्ष है, कभी अपरोक्ष होता ही नहीं, सदा सदा परोक्ष है, अतएव अत्यंत परोक्ष पदार्थ का कैसा अध्यास कर दोगे? जिसकी जिस चीज का
कभी आपको अनुभव भी नहीं होता है, उसका आप अध्यास भी नहीं कर सकते। आपको वंध्या पुत्र का कहीं अध्यास करना है तो पहले वंध्या पुत्र का अनुभव होना चाहिए ना। रजत का अध्यास हो जाता है शुक्ति में, क्यों? रजत के पूर्व अनुभव है। परत्र पूर्व दृष्टस्य स्मृति अध्यास आगे आएगा, भाष्य का वचन वगैरह सब उठा गया, शास्त्रार्थ भी होगा उस लक्षण पर भी। इसलिए कहते हैं इंद्रियाणां तो परोक्षत्वात् नाप्रोक्ष धर्मी अध्यास, अप्रोक्ष धर्मी में उस धर्म का अध्यास नहीं हो सकता इति सिद्धांत। अर्थात धर्मी में तादात्म्य संबंध से कभी परोक्ष वस्तु या परोक्ष धर्मों का अध्यास नहीं होगा। तब प्रश्न उठेगा गुरुत्व आदि का अध्यास कैसे होगा? गुरुत्व क्या है? परोक्ष है। पुण्यपाप क्या है? परोक्ष है। उनका अध्यास कैसे होगा? कहते उनका अध्यास भी पुण्य विशिष्ट होत्व में होगा, गुरुत्व विशिष्टत्व में होगा। अयम गुरुमान ये होगा, अयम गुरु नहीं होगा। अहम पुण्यात्मा, अहम पुण्य नहीं होगा। पुण्यवान अहम होगा, पुण्यो अहम कभी नहीं होगा। इसलिए मनुष्य अहम होगा, देहो अहम बहुत कम होता है। क्यों नहीं होगा? कि देह सामान्य को लेकर व्यवहार नहीं होता आपका। देह सामान्य को लेकर के कभी आप व्यवहार नहीं करते। जब व्यवहार करेंगे मैं मनुष्य में ब्राह्मण थे, विशिष्ट को लेकर के व्यवहार होता है। अतः विशिष्ट का ही अध्यास होगा, सामान्य का नहीं होगा। इसको लेकर कह रहे देखिए टीका में धर्मणी तादात्म्य अध्यास। क्यों? ननु परोक्ष इंद्रियम अपरोक्ष धर्मिणी मनोविशिष्ट चैतन्य अत्यस्यता परोक्ष रूपेण ही हम अध्यास कर लो। अहम परोक्ष इंद्रियम ऐसे ही बोल लो, क्या दिक्कत है? अहम परोक्ष चक्षुमान ऐसे कह लो। कहते ऐसा नहीं होता, परोक्षत्वेन वही इंद्रिय का अपरोक्ष धर्मीभूता मनोविशिष्ट चैतन्य में अध्यास कर लो। कहते ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धांत इसको स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं स्वीकार करेगा? उसमें क्या युक्ति है सिद्धांत के पीछे? युक्ति भी नीचे दे रहे देखिए, अज्ञो हम इति प्रतीति बला, अज्ञो अहम इस प्रतीति के बल पे हमने अज्ञान विशिष्ट मान लिया, अज्ञान विशिष्ट मन का अध्यास मान लिया हमने, स्वीकृत है। अज्ञश्चक्षु इत्यस्य अहम चक्षु इत्यस्य वा परोक्षया अपरोक्षया अपि प्रतीतेर अभाव। लेकिन अज्ञः चक्षुः ऐसा होता है क्या? अहम चक्षु हो ऐसे किसने अनुभव किया आज तक? नहीं किया। इस तरह से परोक्ष ज्ञान भी नहीं है इसका, अपरोक्ष ज्ञान भी इस तरह का नहीं होता। इसलिए अज्ञान आदि विशिष्ट चक्षु आदियों का तादात्म्य अध्यास नहीं हो सकता। जिस चीज का हमें अनुभव परोक्षानुभव हो चाहे अपरोक्षानुभव हो तो उसका जरूर हम अध्यास कर सकते हैं। जिस उसका परोक्षत्व प्रतीति नहीं है, अप्रोक्ष तो सवाल ही नहीं उठता, उसका अध्यास कभी नहीं कर सकते। केवल ऐसे पदार्थ अनुमेय पदार्थ होते हैं, जो अनुमेय है केवल ना, उसका कभी अध्यास नहीं कर सकते आप। इसलिए कहते अहम चक्षुष्मान ये हो सकता है, अहम चक्षुष्मान ये हो सकता है। अहम चक्षु नहीं होगा, मैं चक्षु वाला हूं, सुष्ठु चक्षु वाला हूं, अल्प दृष्टि चक्षु वाला हूं, ये व्यवहार होता ही है। कम दिख रहा है तो क्या कहोगे? हैं, दिव्य चक्षु वाला हूं, ये भी व्यवहार हो सकता है। चक्षुष्मान होगा, क्यों? चक्षुमान कौन है? शरीर, शरीर के साथ अध्यास हो सकता है, आम जुड़ सकता है, आम चक्षुष्मान ये हो सकता है। इत्यादि धीस्तु शरीर से इंद्र संयुक्त न अनुपन्ना इत्यादि बुद्धियां जो है ना अनुपन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि चक्षुष्मान शब्द से हम शरीर को लेंगे, उस शरीर के साथ तादात मध्यास अहम का हो जाएगा तो अहम चक्षुष्मान व्यवहार बन सकता है। अतएव इसी प्रकार से अयम घटः गुरुत्व विशिष्टः अयम अहम अदृष्टवान पुण्यवान इत्यादि व्यवहार भी हो जाएंगे, परोक्ष प्रतीति बल पर भी हो सकता है। अपरोक्षेपि धर्मिणी विशेषणादि विधया न तो साक्षात परोक्ष से ध्यास स्वीक्रियते। इतना अंतर समझना, या एक पंक्ति छूट गई है, धर्मिणी के बाद प्रिंट नहीं है, लिख लेना अपरोक्षेपी धर्मिणी के बाद में विशेषणादि विधया न तो साक्षात
परोक्षस्य अध्यास स्वीक्रियते। यद्यपि अप्रोक्ष धर्मी में, अप्रोक्ष धर्मी कौन है? अहंकारावचिन चैतन्य। अहंकारावचिन चैतन्य क्या है? अहम, ये जो हम बोलते हैं ये अप्रोक्ष धर्मी। इस अप्रोक्ष धर्मी भूत अहम अहंकारावचिन चैतन्य में सबका जो अध्यास होगा, परोक्ष का भी अध्यास हो सकता है चक्षुष्मान आदि के रूपेण, लेकिन कैसे हो भी विशेषण विधेया न तो साक्षात। विशेषण विधेय हो सकता है, उपाधि विधेय हो सकता है, उपलक्षण विधेय हो सकता है। अर्थात विशेषण से विशिष्ट होकर के, उपाधि से उपहित होकर के, उपलक्षण से उपलक्षित होकर के ही हम उस वस्तु को अहम रूपी चैतन्य में, अहम अध्यास विशिष्ट चैतन्य में अनुभव कर सकते हैं, अथवा अन्यथा साक्षात आप तादात्म्य अध्यास नहीं कर सकते। अतएव अब भाष्य पंक्ति ला रहे, देखो, इसलिए भाष्यकार ने कहा है, क्या भाष्यकार ने कहा? देह इंद्रियादिशो अहम अभिमानहीनस्य प्रमातृत्व अनुपपत्तौ। देह इंद्रियादियों में अहम और मम ये अभिमान से रहित यदि हो जाए तो प्रमातृत्व ही नहीं रह गया, खत्म। जब प्रमातृत्व तो प्रमाण प्रवृत्ति कहाँ रह जाए? जब प्रमाण प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो प्रमेय जगत कहाँ है तुम्हारे लिए? वो भी छुट्टी पाएंगे। माने प्रमात्र प्रमाण प्रमेय भेद व्यवहार समाप्त हो जाता है। बस देह और इंद्रियों में अहम मम अभिमान रहित होना, अभिमान रहित होने का मतलब क्या? ये अहंकार अध्यास को भंग करना पड़ेगा। अहंकार अध्यास को भंग कैसे होगा? अज्ञान अध्यास को भंग करना पड़ेगा। मैंने अज्ञान की निवृत्ति ही से संसार की निवृत्ति होगी और कोई रास्ता नहीं। ये जो प्रथम अध्यास अज्ञान हो रखा है जिसका परिणाम स्वरूप जगत हमें दिखाई दे रहा है, वह अध्यास को भंग कर देंगे तो सारा काम हो जाएगा। लेकिन वह अध्यास भंग कैसे होगा? क्योंकि ये जो देहादि में अहम अहम अभिमान है अनादिकाल से चलाया हुआ है, अनंत जन्मों की वासना से सुदृढ़ है, इतना दृढ़ है, इस दृढ़ता को भंग करना आसान नहीं है। इसलिए आचार्य शंकर जो उपदेश शास्त्र विवेक चूडामणि दोनों जगह बोलते हैं, जिस व्यक्ति को अपने शरीर से वैराग्य नहीं है उसको वेदांत को उपदेश देना व्यर्थ है, ऐसे कहा है। क्योंकि इसके अभिमान कुछ घटे ना तो फिर विवेक वैराग्य वास्तव में जग ही नहीं सकता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं साधक के लिए, इसलिए तृणाद्यपि सुनीचेन, तृणाद्यपि सुनीचेन सेवियो हरि, वो हरि भजनीय हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। तृणाद्यपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष जैसे वो धूप ठंडी गर्मी बारिश सारी चीज सहन करके आपको फल देता है और आप ऐसे में बैठे फल को खा जाए, तरोरपि सहिष्णु। घास से भी अपने आप को क्षुद्र मानना चाहिए, मैं कुछ हूं आपने समझे तो गए, छुट्टी पाई, वेदांत से दूर हो जाएगा। अहम किंचित अस्मि यह सोचना, यह विचार यदि आ गया, वृत्ति हुई तो समझ लो वो वेदांत के योग्य नहीं है। नाहम किंचित ये होना चाहिए, न भोक्ता न भोज्यम है ना, न उपभोग न गुरोर नैव शिष्य, ये सब आएगा आत्मषटकम में। तो वो भाव लाना पड़ेगा निरंतर, तब ये घटेगा। तो प्रमातृत्व अनुपत्त प्रमाण प्रवृत्ति अनुपत्त है इत्यत्र भाष्य। इस भाष्य का भी व्याख्या करते वक्त पंचपद का कारण क्या कहा? इंद्रियेषु ममाभिमान एव, उसमें भी देह में अहम और मम दोनों हो सकता है, यानी इंद्रिय में सदा मम ही होता है, अहम नहीं होता। इंद्रियों में सदा अहम नहीं हो सकता, सदा मम ही होगा। लेकिन शरीर में कभी अहम कभी मम, मम इदम शरीर भी बोल जाते हैं, अहम मनुष्य जब बोल रहा है तो शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया उसने। अब देखिए प्रश्न डाला, ननु धर्मी अध्यासम विना कथम धर्म अध्यास, प्रश्न आपका था ना कल, ननु धर्मी अध्यास विना कथम धर्म अध्यास,
ये प्रश्न का जवाब देते हैं, ऐसी बात नहीं। तद विशिष्टे मूल में तद विशिष्टे स्थूल देह अध्यास धर्म पुरस्कारे नैव अहम मनुष्यत्याकार न तो स्वरूपतः अहम देह इति अध्यास। तद विशिष्ट में ही तादृश अहंकार विशिष्ट चैतन्य में, अहंकार अध्यास विशिष्ट चैतन्य रूप आधार चैतन्य में क्या हो रहा है, स्थूल देह का अध्यास होता है। लेकिन देह सामान्य अध्यास कभी नहीं होता, इसलिए आप कभी भी अहम देह नहीं बोलते हो। जब भी बोलोगे अहम मनुष्य कहोगे, अहम ब्राह्मण कहोगे, अहम शूद्र बोलोगे या अहम देवदत्त बोलोगे, मैंने नाम आदि संज्ञा विशिष्ट को लेकर के बोलते हो। स्थूल देह अध्यास हो रहा है कैसे, स्थूल देह का अध्यास धर्म कार्य नहीं, वह धर्माध्यास पूर्वक ही होता है। इसीलिए अहम मनुष्य इत्याद्याकार, अहम मनुष्य, अहम देवदत्त, अहम ब्राह्मण इत्याद्याकार ही होता है, न तो स्वरूपतः अहम देह अध्यास, स्वरूपतः अहम देह ऐसा अध्यास कभी नहीं होता। क्योंकि जो प्रतिबिंब पड़ता है, अध्यास क्या है, प्रतिबिंब पड़ जाना, उसका इसमें प्रतिबिंब पड़ा, किसका उसमें प्रतिबिंब पड़ा, केन रूपेण पड़ रहा है, वो निर्भर है। केवल पत्थर में चैतन्य आपके चरण ही दिखता ना, या पत्थर में जल डाल दो आपका चेहरा दिखने लगे, दीवार इस पर नहीं दिख रहा चेहरा, पानी डाल दो दिखाई देगा। स्वच्छता एक कारण है प्रतिबिंब के प्रति, जल के कारण से वह कुड्डी भी स्वच्छ सा हो गया तो आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। अज्ञान भले आप उसको अंधकारात्मक कह देते हैं, तमह प्रधान कह देते हो, इन फिर उसमें सत्वांश है, त्रिगुणात्मक है, सत्वांश के कारण से अज्ञान में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ जाता है, तो अज्ञान अध्यास विशिष्ट चैतन्य हो जाता है। तद्वत सभी पदार्थ में सत्वांश में ही चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। अतः प्रत्येक पदार्थ को स्वाध्यास विशिष्ट चैतन्य कहा जाता है, घटाध्यास विशिष्ट चैतन्य, पटाध्यास विशिष्ट चैतन्य व्यवहार हो जाता है। वह भी सब जगहों में ध्यान रखना है, धर्म विशिष्ट होकर के ही धर्म पुरस्कार नैव धर्मी का अध्यास होता है। बिना धर्म पूर्वक केवल धर्मी का अध्यास उन स्थलों में नहीं हो सकता, यथा अहम में हो गया। इसलिए कहते हैं अहम देह इति अध्यास हो न तो स्वरूपतः, यह स्वरूपतः का अध्यास नहीं हो सकता। इसकी टीका में देखिए, बहुत स्वरूपतः मैंने देहत्वादि सामान्य धर्म विशिष्ट रूपेण, देहत्वादि सामान्य धर्म विशिष्ट रूपेण कभी नहीं हो सकता, किंतु मनुष्यत्वादि विशिष्ट धर्म पूर्वक ही होगा। धर्म पुरस्कार मैंने मनुष्यत्वादि गौरत्वादि अवांतर धर्म विशिष्ट रूपेण धर्मी अध्यास। क्यों ऐसे होता है, तथा प्रतीति भाव है। यदि अहम देह करके प्रतीति होता वैसे भी अध्यास भी हो जाता, लेकिन तार्शी प्रतीति लोक व्यवहार में कहीं भी नहीं दिख रहा है। आदि प्रतीत्य भावादेव तार्श अध्यास भी नहीं माना जाएगा, कि शुरू में ही हमने प्रतिज्ञा करके बोल दिया है जैसा प्रतीति वैसा हम उसका कारण भी ढूंढेंगे। भ्रांति रूपा प्रतीति होने से कारण भी तदन रूप होगा, परिणामी प्रतीति होने से कारण भी परिणामी होगा। जैसा कार्य है वैसा कारण हमें ढूंढना है, जैसा प्रतीति है वैसे हमने अध्यास भी इसे निश्चय करना है। प्रतीत्यधीन अध्यास का निश्चय होता है, अध्यासाधीन प्रतीति नहीं हो रही है। अध्यास प्रतीति का कारण नहीं है, प्रतीति की वजह से हम अध्यास को मान ले रहे हैं, इसलिए यादृशी प्रतीति है तादृशी अध्यास को हमें स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए हम लोग जिसको जगत दिख रहा है उसके लिए अज्ञान है, आपको जैसा जगत दिख रहा है वैसा आपको अज्ञान की क्वालिटी मानी जाएगी। आपके अंदर कितनी अज्ञान है, कैसी अज्ञान है, वो किस हद का है और उसके अध्यास का स्वरूप क्या है, ये तो आपकी अपनी प्रतीति के अधीन है। यादृशी प्रतीति तादृशी अध्यास को मानना है। ऐसे जिस प्रकार की प्रतीति आपको भी होती नहीं है उसके अध्यास क्यों मानना। इस गते तथा प्रतीत्य भावात् अहम मनुष्य इत्यादि पूर्व पूर्व धीजन्य संस्कार से अहम मनुष्य इत्यादि अध्यास हेतु कल्पना,
क्योंकि अहम मनुष्य इत्यादि पूर्व 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 धी है, अनादि धारा चल रहा है, वासना चली आ रही है, तद्धी जन्य संस्कार को लेकर के वर्तमान में भी अहम मनुष्य करके होता है इत्यादि अध्यास हेतु कल्पना तारस अध्यास उत्पत्ति थे। लेकिन अहम देह इत्यादि प्रत्यय प्रसिद्धिया अहम देह इत्यादि प्रत्यय अनादिकाल से अभी तक प्रसिद्ध ही नहीं है, लोग व्यवहार में किसी को भी ऐसा प्रतीति होती नहीं है। अतएव तज्जन्य संस्कार से अप्रसिद्धे तज्जन्य संस्कार भी अप्रसिद्ध है, अतः तस्य तारस अध्यास हेतुत्वम न तस्य तारस अध्यास हेतुत्वम, इसे तारस वस्तु तारस अध्यास हेतु भी कारण नहीं माना जाएगा इति भाव। तद विशिष्टे च स्थौल्यादीनां देहधर्माणां अध्यास। अब उसे क्या होगा, तद विशिष्ट में तादृश मनुष्यादि विशिष्ट चैतन्य में मनुष्य अध्यास विशिष्ट चैतन्य में फिर अध्यास करोगे क्या, स्थूलतादि का अध्यास होगा, उत्तरोत्तर अध्यास बढ़ते जाएगा। जब तक आप अहम मनुष्य नहीं तो फिर अहम स्थूल नहीं बोल सकते आप, केवल अहम स्थूल नहीं होगा, अहम स्थूल पशु व मनुष्य व पूछेगा नहीं तो आदमी, स्थूल तो पशु भी होता है, स्थूल तो मनुष्य भी होता है, स्थूल तो अन्य पदार्थ, स्थूल तो पाषाण भी होता है, स्थूल पाषाण क्षुद्र पाषाण व्यवहार होता है, इसे केवल अहम स्थूल तो व्यवहार नहीं होगा कभी भी, जब भी होगा अहम स्थूल मनुष्य ही होगा, मनुष्यत्व पूर्वी का स्थूलत्व का अध्यास होता है, केवल स्वर्ग का अध्यास यदि करेगा वह असंभव दोषग्रस्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं तद विशिष्टे च स्थौल्यादीनां देहधर्माणां अध्यासस्य। अतएव क्या प्रक्रिया हुई, अज्ञान पहले अध्यास अध्यस्त हो गया, जगत दिखने से अज्ञान को मान लिया कि अज्ञान का अध्यास हुआ है ब्रह्म में, तार्श अज्ञान अध्यास विष्ट चैतन्य हो गया, इसलिए उस अज्ञान में क्या हुआ, चैतन्य का प्रतिम्ब पड़ गया अधिष्ठान चैतन्य का, तार्श अज्ञान विष्ट चैतन्य में पहले अहंकार पैदा हुआ और अहंकार विष्ट चैतन्य में काम संकल्प आदि हो गए, तदवश से क्या हो गया, शरीर आदि की प्राप्ति हो गया। तो तद तार्श संकल्पादि विशिष्ट अहंकार विशिष्ट चैतन्य में अहम मनुष्य व्यवहार हो जाने से तद विशिष्ट चैतन्य में क्या हुआ, स्थूलत व्यवहार हो गया। तद विशिष्टे च फिर उससे विशिष्ट चैतन्य में क्या होता है, आप बोलेगो मेरी पत्नी है, मतलब बाद में और लेटर, ये तो 20-25 साल बाद है ना कम से कम, पहले तो अहम मनुष्य स्थूल ऐसा चल ही रहा है, जब शादी हो जाते तब ऐसा आएगा। इसलिए कहते हैं तद विशिष्टे च बाह्यानां पुत्र भार्य आदिनां, ऐसा तद विशिष्ट चैतन्य में पुत्र भार्य आदिनां साकल्य वैकल्य आदि धर्म अध्यास। अब ये तारस धर्मी में क्या हो गया, फिर धर्माध्यास हुआ, पहले धर्म धर्म पुरस्कार धर्म अध्यास हुआ था और अब तारस धर्मी में धर्मों का अध्यास करते जा रहे हैं, अलग अलग धर्मों का अध्यास होता है। अहम मनुष्य जो हो गया तब अब अहम भार्यावान हो जाएगा, अहम पुत्रवान हो जाएगा, आगे बढ़ते जा रहा है ये और अध्यास को जोड़ते जाता है, जोड़ते जा संसार को बढ़ाते जाएगा, जितनी अध्यास कर सको उतना तुम्हारा संसार लंबा चल रहा, जितनी अध्यास संबंध घटाते जाओ उतनी संसार आपको घटते जाओ। इसलिए भक्तों का एड्रेस लिस्ट बनाना, फोन नंबर लिस्ट बनाना, ऐसा बैठे क्या ये सब संसार बढ़ाना हो ना, उतना आध्यात्मिक संबंध मान लिया आपने, उसके साथ उसके साथ उसके साथ, यही मेरा भगत, यही मेरा भगत, यही मेरा भगत, नहीं ये मेरा विद्यार्थी, वो मेरा विद्यार्थी, एक गुरु चेला भी गड़बड़ है, आचार्य विद्यार्थी संबंध भी गड़बड़ है, इसे न गुरु और नहीं वह शिष्य कह दिया, ये सब लफड़ा है, ये सब आध्यात्मिक संबंध है। इसलिए इसको आप दृश्य रूपेण देख करके बाधित करना है, तभी जाके से सत्यत्व बाधित होता है, ये तभी संभव है, इसको इसमें सत्यत्व को पहले बाधित करना पड़ता है। सत्यत्व बाधित कैसे होगा, स्वप्रवत दृश्य मानना पड़ेगा, ये जो हम इस व्यावहारिक सत्ता को मान लिए ना, ये सबसे खतरनाक काम है, पहले इसकी व्यावहारिक सत्ता को भंग करो, भंग करके ये जो व्यवहार हो रहा है ये भी प्रातिभासिक स्वप्रवत व्यवहार हो रहा है, सारा व्यवहार स्वप्रवत व्यवहार है, यह सारा व्यवहार नटवद व्यवहार, जैसे नट एक्टिंग कर रहा है, अलग अलग नाम से एक्टिंग करता है, अलग अलग वेशभूषा पहनकर एक्टिंग करता है, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं हो तो मां जानता हो,
हर क्षण उसके दिमाग में रहता है मैं अमुक हूँ, ये नहीं हूँ जो व्यवहार हो रहा है, पूरा याद रहता है उसको। कोई भी सिनेमा एक्टर हो, कोई भी नट हो, उसे आपको ये हमेशा याद रखना है कि मैं ये मनुष्य आदि विशिष्ट नहीं हूँ, ये सब एक्टिंग चल रहा है केवल। स्वप्न में जैसा चलता था मैं अलग था और सब बना करके मौज कर लिया, तद मैं भी अभी भी अलग हूँ, मेरे ही से मेरी अविद्या से बनी हुई सारी चीज़ें, मेरी अज्ञान का अध्यास में सारी चीज़ें हैं, ऐसे इसको दृश्यत्व नटवत अनुभव करते रहना, नटवत व्यवहार करना, तब जा करके इसमें व्यावहारिक सत्यता खत्म हो जाएगी और केवल दो रह जाता है, प्रातिभाषिक और पारमार्थ। जब नटवत दृश्यत्व इसका स्वप्न तुल्य अनुभव कर लग जाएंगे, अभ्यास करेंगे, तत्पश्चात पारमार्थिक सत्ता का अनुभूति में केवल प्रातिभिक सत्ता का बात करना जो रह जाता है वो अनेक अन्य दृष्टांतों से बाधित हो सकता है, सर्प आदि रज्जु आदि दृष्टांतों से अनायास ही प्रातिभाषिक सत्ता को बाधित कर सकते हैं। प्रातिभाषिक सत्ता को बाधने के लिए हमारे हजारों दृष्टांत हैं, लेकिन व्यावहारिक सत्ता को बाधने के लिए कठिन काम है। पहला वही है, उसको बाध देंगे फिर बाद सब काम धीरे धीरे हो जाएगा। इसलिए इनका कहना है कि देखो उसके साथ क्या होता है, साकल्य वैकल्य धर्म अध्यास होता है, उसमें भी आप जब अध्यास करते पुत्र अध्यास हुआ उसमें भी क्या सोचेंगे, पुत्र में कुछ कमी है, साकल्य है या वैकल्य है, कुछ मामलों में अच्छा है कुछ मामलों में बुरा मानते हो, पत्नी है उससे कुछ गुण है कुछ दोष है, कि संसार है त्रिगुणात्मक है, गुण दोष तो रहेगा, कमी पेशी तो हर चीज में रहेगी, तो साकल्य वैकल्य का व्यवहार होगा। साकल्य केन दृष्टिया, टीका कर कहते हैं विनयादि गुण भूषण आदि मत रूपम पूर्णत्वम एव साकल्यम, विनय है आज्ञाकारी है पुत्र, जैसा कहता हूं वैसे मानता है, विनयशील है, स्वभाव अच्छे है, सारी चीज को लेकर पूर्णत्व मान लिया उस सर पत्नी में भी सभी में, तद अभाव वैकल्यम, और उसके अभाव हो जाए तो क्या कहेगा, अरे मेरा पत्नी है तो पिछले जन्म का दुश्मन है, हर दम लड़ती रहती है। एक रामपाल जी आते हैं, रामपाल जी वो यही कहते हैं पिछले जन्म का जो दुश्मन है वो पत्नी बन के आती है। अब मैं कहता हूँ इतना ही नहीं, इसी उल्टा भी तो बोलो, स्त्री भी तो बोल सकती है पिछले जन्म का जो दुश्मन है वो मेरा पति बन के आ गया, अब हम लड़ते रहते इसलिए दोनों एक दूसरे का दुश्मन रहे, आप इसे जोड़ दिया भगवान ने, इसे लड़ो, प्रेम भी करना लड़ते भी रहना, प्यार भी करना फिर लड़ना, चलते रहे ये काम। पिछले बार तो लड़ते ही रहे ना, शत्रु थे प्यार तो किए ही नहीं, इसलिए वैसे स्थिति में डाल दिया, प्यार भी करना पड़ेगा लड़ना भी पड़ेगा, विषम स्थिति में डाल देते हैं, तो वैकल्यता है। इस तरह से साकल्यम वैकल्यम दोनों ही को लेकर के व्यवहार करते रहता है। इसे तथा च स्थौल्यादि विशिष्ट पुत्रादि स्वामित्व अध्यस्य पुत्रादिगत साकल्य वैकल्य अध्यस्येते, स्थौल्यादि विशिष्ट चैतन्य में वो क्या करता है, पुत्रादि का स्वामित्व को अध्यास कर लिया, मैं पुत्र का स्वामी हूँ भार्या का स्वामी हूँ इत्यादि पुत्रादि का स्वामित्व का अध्यास कर लिया अध्यस्य, और क्या करता है पुत्रादिगत साकल्य वैकल्य को भी अध्यास कर लेता है, स्थूलो हम सकल कहता है, मनुष्य सन ब्राह्मण सन स्थूलो हम सकलश्च, तो सब कुछ है, एमबीबीएस हो गया है मेरा, है ना, एमबीबीएस हो गया, मियाँ बीबी बच्चा समेत हो गया तो सकल हो गया, और नहीं तो विकलो हम, स्थूलो हम विकल इति वा, साकल्य सकल स्वामित्व में प्रतीति चेत न पुत्रादो पूजिते पूजितो हम इत्यभिमाना, क्योंकि सदे सदा ही सकलो हम ऐसा व्यवहार होता है, ऐसी बात नहीं है, कई लोग है बाहर से छिपाते हैं सकलो हम बोलते हैं, भीतर से सदा विकलो हम ही रहते हैं, है कि नहीं, इसलिए उन लोगों की बात नहीं करना। यहाँ सच्ची बात यह है, इस संसार में कभी कोई सकल नहीं है, कभी कोई पूर्णतया विकल नहीं हो सकता, सकलता विशिष्ट विकलता, विकलता सकलता का अभ्यास होते रहता है, कभी कुछ क्षणों के लिए मान रहे थे मैं सकल हूँ पर्याप्त है संतुष्ट हूँ सब ठीक ठाक है, एक बल ठप फ्यूज हो गया तो फिर विकल हो गया, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, तुरंत विकलता आ गई, ये सकलता विकलता का चक्कर रहता है, इसलिए एक ही सदा होता है कहना बिल्कुल ही उचित नहीं है, ये खंडन कर दिया।
तत्श्री बाह्यानां पुत्र भार्यादीनां साकल्य वैकल्य धर्माध्यासः एवं चैतन्यस्य इत्यादि।